तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग इफ्तारी रेडी हो चुका है। तो इफ्तार का टाइम, यहाँ काफी लोग आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। तो अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, देखते देखते आज 16 रमज़ान हो चुका है, तो आज 16 रोज़ा है। तो अभी मैं आया हूँ जीटोट का मस्जिद, देहीपुर का जीटोट मस्जिद है, तो इस साइड है मस्जिद। तो अंदर अभी प्रेम भाई और एक मेरा भाई है, वो भी आया हुआ है। तो यहीं पर अभी मैं जूता उतार देता हूँ। ये काफ़ी शानदार मस्जिद बना हुआ है, ए जी रोड, देहीपुर जी रोड का ये मस्जिद है। यहाँ के एरिया लोकेशन भी आप लोगों को मैं थोड़ा रोटेट करके दिखा देता हूँ। तो आज है 16 रोज़ा, तो आज इस मस्जिद में यहाँ पर इफ्तार किया जाएगा। तो लगभग 6 बजे का टाइम है, तो इफ्तार का टाइम, यहाँ काफ़ी लोग आने वाले हैं। तो जो पार्टी का मेम्बर्स है वो लोग भी आएंगे, साथ में हम लोग भी यहाँ पर रहेंगे, तो हम लोग साथ में यहाँ पर इफ्तार खोलेंगे। तो हमें प्रेम भाई है, सब कोई मिल कर यहाँ काम भी करेंगे, इफ्तार जो रेडी करना होता है तो वो सब मिल कर रेडी करेंगे। वो सब भी आप लोगों को मैं वीडियो में शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। इस साइड गेट से अभी इस साइड चला आया हूँ, तो इधर है वज़ू खाना, तो इधर वज़ू किया जाता है। तो ये वज़ू खाना का ये पोर्शन है यहाँ पर, और उस साइड है बाथरूम। ये जो इमाम साहब रहते मस्जिद में उनका रूम है, और ये एसी जो लगा हुआ है उसका सेटअप है। আজকে আমাদের ইফতার পার্টির শ্রদ্ধ সম্মানীয় পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সহসভাপতি মাননীয় জাহাঙ্গীর সাহেব তিনি উপস্থিত আছেন, তার মুখ থেকে আমরা শুনব। এছাড়া আমরা বিশেষ করে অনুরোধ জানাই এই এলাকার যে সকল সম্মানীয় শ্রদ্ধ ইমাম বৃন্দ আছেন, ইমাম সাহেব আছেন, তারও আমরা আমাদের ইফতার পার্টিতে যোগদান করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি, এবং তার কাছ থেকে আমরা কিছু মূল্যবান বক্তব্য
रमजान मास उपलक्षे रोजा पालन हमें क्या करब से उपलक्षे हमें कि बक्तव्य सुनब ये अपने का बार बार अभिनंदन जाना अभी ऑलमोस्ट हम लोग इफ्तारी रेडी हो चुका है, तो अभी जा रहे हैं असर का टाइम हो रहा है। तो अभी हम है, मेरे साथ प्रेम भाई और अकरम भाई भी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं असर का नमाज़ पढ़ने के लिए, उसके बाद फिर आएंगे यहाँ पर, तो जो बाकी जो काम है वो भी पूरा कर लेंगे। अहले तलब आ जाओ जिक्र में, बेशक जिक्र है नूरुल्ला। दोनों जहां में शान बड़ी है, जिसने किया है जिक्र अल्लाह। जिक्र से सर कटता है नफ़्ज़ का, बेशक जिक्र है सैफुल्ला। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अभी मगरिब का वक्त हो चुका है, तभी मस्जिद पे आए थे यहाँ वजू करने के लिए। तो हमें इधर प्रेम भाई भी मेरा साथ है। तो अभी जहाँ इफ्तारी करेंगे अभी वहीं पे हम लोग अभी जा रहे हैं, हमारे प्रेम भाई।